हम शम तम पम पम मम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जले जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा सर्वार्थशेदितान् ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलिष्णुप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्तानप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जाम ओम ह्रीं शिवरश्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोणी विश्ववंदी संत श्रोणी आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंकर समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रोक्त समी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा होती है। गुरुवार की मुखारविंद से 64 तिथि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरा करा के शादीशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आरा में जुड़कर शांति आरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, फिरोजाबाद से श्रोमी संरक्षक श्री ललतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित रूपी, पारसनेश्वर श्यांसार जी, अनंत मितान सिंह, वाणी वजस पिचर जिन सापरिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता भवोक्षिता, विनीत जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सापरिवार, देहरादून से श्रोमी संरक्षक नियोज जी, कमलेश जी, आशीष मेघातीन, पूजा ऋचा, विवेक जिन रामपुर वाला सापरिवार, जयपुर से श्रोमी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना जी, सुलीन नशा, अंकित इत्यादि कामिया, युवराज अनुष्का जी, पाड़िया सापरिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, दंपति संतोष शाह, खुद सपन जी, ममता जी, विकास प्रधुआ, अनुभव अंसुल, अतिशय आसरणी, नोनी अर्चना, आईना श्राप सापरिवार, गंज बसाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्री विजयतन भाई, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांश, श्वेता जी, अंशी जैन सापरिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका संजय पांडे समेत अतीर फाउंडेशन सापरिवार, इंदौर से इंसाफ बख्श श्रीमती मोदिया मिला देवी लाला एक प्रभात से श्री राजानी जी, श्री नितिका, शुभम अश्मिता, ऋषभ काजल, आराध्या अनुपेक्षा, आराधना बिलाला सापरिवार, आगरा से जनता पक्ष श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता जी, रचि महत, रमेश चांदी वाला सापरिवार, गुड़गांव से श्रोमी संरक्षक अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ नंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन सापरिवार, भोपाल से श्रोमी संरक्षक मीरी संगीता, पुलिक दिव्या, पुनी सफारी, मिहल, श्रीमती शारदा, शेखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोधा सापरिवार, दुर्गापुर से श्रोमी संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन सापरिवार, नवी मुंबई से श्रोमी संरक्षक श्री ब्रह्मोद जी, सोमन जी, स्वाति साका, सिरा जिमावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवानी गुप्ता सापरिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, शांति संध्या जी, सौरी सौरभ रोही, गौरवनमिका, नीयज पाई, दिव्यान जितासा, शुभंकर हितासा, जिनकार परिवार, जबलपुर से गणतंत्र उपाध्यक्ष श्री अविनी जी राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तरण, कृति, वीनम, अनिशी जैन सापरिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सर बाबूलाल सतोया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, हशीम, श्रीमती रिम्पी, अबूर, मिश्र जी, शशी, क्षितिश, दिव्य सतोया सापरिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजन, अमित जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंत, अक्षत, अक्षत, अनंतंकर, समस्या परिवार, बरेली उत्तरप्रदेश से संस्थापक सर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता और विद्युत वर्षका जैन सापरिवार, जबलपुर वापसी से श्रीमती इंद्रलोवा जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार जी, मेधांत बेबी, अनिश्चय जैन, लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमी संरक्षक आरपी जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन सापरिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता जी, प्रिया जी, दिव्या जी, उदंग जैन सापरिवार, रांची से संस्थापक श्रीमती श्रीमती चंदकला जी, नीरज जी, निरंजन, जयक त्रिपाठी सापरिवार, रामगंज मंडी से नक्षत्र माता जी, संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीति, नीतू जैन बाबरिया, प्रव्याद उत्तरावाली, रतलाम से श्रोमी संरक्षक बाबूलाल जी, गानवती देवी, राजेश, रेखा चंद, रघुवाल सापरिवार, आगरा से चक्रिय, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सोमय यूनिवर्सिटी, अलवर से श्रोमी संरक्षक संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुलीना आदि, अबीरिया जी, अंजु मेहता, अमित मेहता सापरिवार, कन्नौज से श्रोमी संरक्षक चिंतामणाई सवाई लाजन सापरिवार, कोलकाता से श्रोमी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, द्रौपदी, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजंग, चंद्याशिका, अंकिता, गौरणी, की शराबगी सापरिवार, ब्रासपुर से श्रोमी संरक्षक श्री मनोज जी, रंजन, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, बीमारियाना, अभीर, अभिराज, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, पनुज, श्रीमती विभाजी, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आराव, योग, के आप, रंजय, रनक, अरण, अशिका, जिन समस्त कोयला वाला परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमी संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभा बेन,
अतुल सीता निहाल मंडल लाधानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से शांति कुमार स्मृति ममता जी प्रीतम मयूरी स्पीति आतिथ नित्या जिन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता चुटुमन संरक्षक अनिल जी अमिता जी शशांक रमेश जी अनिल जी किरण जी जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शिवम पल्लवी एकांत जी सराग विशा परिवार के रमेश संरक्षक शिव खावला जी अशोक जी सुशीला जी पाटनी सुरेश जी शांता जी विमल जी तारिका मिनी सूची विकास सिद्धा विनय ईशा ऋषभ विवेक ऋषभ आदि मनिया रंज पाटनी अलग मधुबर परिवार उदयपुर संस्थापक प्रकाशन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल स्मृति पुष्पादेवी अवनी भावेश देशना पुत्र अनिमिश जैन कबीर जैन अखावत परिवार टीकमगढ़ से शिखा जी अली श्रीमति संध्या जी प्रदीप जी भोतारा श्रीमति रुचि मुद्दित अद्वैत श्रीमती प्राची अंकित कुमार मिश्रा चौधरी साहब परिवार गोड़ाकोटा मुंबई से संरक्षक दिनेश कुमार श्री सुमन अनुराग आदि वीर में क्रांति शिल्पी अनुसोरिया जी सोदिया साहब परिवार कोलकाता से की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी करण जी राहुल जी तुम जी सौरभ जी काला साहब परिवार भोपाल से संस्थापक श्री कंचाबाई सुगंधीलाल जी हेमदत्ता जी स्वाली रोहित चौनाइली विदेही विदेशी शस्त्रियां स्वराज जिन साह परिवार भोपाल से रूम संरक्षक राजे निशान जनरलिन रोनी अंकल रोनांग जी बड़कुल साह परिवार यश टेक्सास से रूम संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी विजय जी मंजू गगन केटी अरु गौरव नीलम चांदनी जन साह परिवार जयपुर से संपतरा शांति देवी सपुत्र रविंद जी नरेंद्र सरेन जी पाटनी साह परिवार निखार वाले कोलकाता से सिमरिमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंद पिंकी गोसाक लवानिया भव्य तख्त चुड़ीवाल साह परिवार माधा से रूम संरक्षक पुष्पेंद्र सविता जी नातिन गुणगत अंकिता ममिता मनस्वी ने अभी तरफ साह परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कवरीला जी शेटी रवि छाड़ा के परिवार से श्री तीरथन मणिदेव शेटी इंदा देवी छाड़ा श्री सुरेंद्र जी प्रीति जी सिद्धांत रिया सोलोनी अजित मोनिका आयुषी अर्णव विनी त्रितिका विमान ऋतु देवर्ष सुधीर दस्त हार्दिक चुड़ियाल शेटी छाड़ा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवनकान श्री पाना देवी शेटी विनय शर्मिला विकास सिमा विवेक चंद्र विशाल अनिता रोहित मेघना साहिल प्रियांक पलक जयदित ऋषिल कवच दुतित सेठी परिवार सिंगापुर से भूमि संरक्षक विनोद जी अल्सना शिरपा अरिहंत तेज चिराग स्मृति छाजा सरोजिन साह परिवार गन्नौर से भूमि संरक्षक स्मृति राजुलारी राजन जी गीतानी अनिल ममता प्रमीन नमल अलिशा यशिका निकिता समूह युक्ति जैन साह परिवार कोलकाता से भूमि संरक्षक प्रेम जी प्रमीला जी पुत्र श्रियां श्री जैन साह परिवार नागपुर से भूमि संरक्षक सभागति मीना जी अनिल कुमार स्मृति सोनिया जी आदित्य सिंगापुर सभागति साथी जी पी एच डी मास्टर युवान रियान जैन देवदासवीज वी एस रबूर साह परिवार कन्नौर से भूमि संरक्षक नरेश कुमार पीयूष कुमार कल्पना अमरीश विजय लक्ष्मी पीयूष प्रियांशी सांजय साह परिवार और जिन्होंने मासिक शांति रघुवीर का शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया सेन होजे अमेरिका से शोभित सेठी नंदा जैन आशीष सेठी साह परिवार पार्टी से रूपा जी रारा धर्मपति अजय रारा सिद्धांत जी प्रिया अंकित रूपांगी करण तमिश अरहम जिन समस्त दुल्हन साड़ी वाले हम परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारम्बार नमस्तु करते हैं निवेदन करते हैं स्वामी ये विनोद जी के नाम पे अब तैयार करना है ना तैयार नहीं करेंगे तो कैसे गुरुदेव का आदेश है तैयार तो करना ही हुआ आप अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे बोलिए परम पूज्य 108 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय में जोर नहीं है बोलिए 108 प्रमाण सागर जी महाराज की मैं जितनी बार शिखर जी आता हूं जितनी बार ये मंदिर के अंदर हमेशा मंदिर की दर्शन करता हूं आता हूं देखता हूं कैसा आ रहा है और हर बार इसकी भव्यता इसकी जो कारीगरी है इस पे जितना ये जो बन रहा है इसको देख करके हर बार अचंभित होता हूं कि ये कैसे बन रहा है कितना इसमें मेहनत जा रहा है कितना इसमें दिमाग जा रहा है कितना कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा गुरुवर जी के आशीर्वाद से कि सब यहां आए और देखें कि ये क्या बन रहा है और इसमें आप जिस तरह से जैसे भी जुड़ सकते हैं दर्शन आ करके देख करके जिस भी माध्यम से उस माध्यम से आप इस चीज से जुड़े और देखें कि अपने जैनियों के लिए क्या 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 चीज बन रही है कितना सुंदर चीज बन रहा है कितना इसमें मेहनत जा रहा है तो इससे जुड़े यही मेरी इस मंच के माध्यम से सबको कहने का मैं कहना चाहूंगा। गुरुवर धन्यवाद 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 रितिम जी काला कम शब्दों में अपने अपने उद्गार पूरे देश और विदेश के समक्ष रखे बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं कम समय लेते हुए, चूंकि 2 मिनट का समय बचा, 5 में 3 मिनट मैंने रितुम जी को दे दिया, 2 मिनट मैंने अपने लिए सुरक्षित रखा है। मैं सबसे पहले आचार्य भगवंत का जोरदार जयकारा लगाइए, जिनके आशीर्वाद, जिनके मार्गदर्शन, जिनके अनुकंपा से ये सारा काम संपन्न हो रहा है। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की जय। एलेक्स जी महाराज, श्री निरंजन महाराज जी की जय। पूरे मुनि संघ की जय। आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अभी जैसा विजय भैया जी ने अपने उद्बोधन में बात कही, कई सुयोग आज हमें मिले हैं और उनका वर्णन मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधे अपनी बात के ऊपर आता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण यूं है कि आज आचार्य भगवंत के संघ के दो मुनिराज और एलेक्स जी महाराज का आज प्रवेश सम्मी शिखर जी की धरा पे हुआ, जो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं पूरे गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से मुनिराजों के चरणों में, पूरे संघ के चरणों में अपना निवेदन, और पूरे समाज की तरफ से पूरे गुणायतन परिवार की और श्री सेवायतन परिवार की ओर से निवेदित करता हूं कि इस वर्ष का चातुर्मास, मंगल चातुर्मास का आशीर्वाद श्री गुणायतन और श्री सेवायतन को देने की का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे उनके चरणों में मेरी विनती है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। पूरा गुणायतन परिवार आगे आ जाए, सेवायतन परिवार आ जाए, नंदलाल जी, बाकी जो भी गुणायतन और सेवायतन परिवार के पदाधिकारी और ट्रस्टीगण मौजूद हैं, शिरोमणि मौजूद हैं, सभी से मेरा निवेदन है जल्दी से ऊपर आ जाए मंच पे, और गुरु चरणों में हम अपनी ये अभिलाषा रखें ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके कि ये आने वाला चातुर्मास गुणायतन परिवार को मिले। आइए सभी कोई धन्यवाद। पहुंच रहा है पूरा परिवार अपने कर को श्रीफल की मुद्रा में बना करके, वर्षा योग की पावन भावना कांक्षा लिए, ना कि सिर्फ गुणायतन सेवायतन परिवार अपित बंधुओं, संपूर्ण विश्व इसके साथ जुड़ा हुआ है निवेदन में कि हे गुरुदेव, इस वर्ष का वर्षा योग गुणायतन में ही हो, गुणायतन में ही हो, गुणायतन में ही हो, इस भावना को लेकर के सभी लोग एक साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। और गुरुदेव की मुस्कुराहट कहती है कि जब आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दे दिया है तो काल भी इसे नहीं टाल सकता है। अब गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया है, संघ को भी भेज दिया है, तो अब तो पक्का हो चुका है। लीजिए, मैं निवेदन करता हूं सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे, और अब बिना किसी भूमिका के हम समय का करते हैं सदुपयोग, और मिला है हम सबको शीतलता का योग। पूज मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपनी ओर से और अपनों की ओर से निवेदन कर रहा हूं, भो स्वामी आप हम सबको अपनी अभिभूत वाणी से लाभान्वित करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। भैया और पूज्य मुनिश्री के बाद हमें पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज और बड़े महाराज का भी मंगल आशीष जरूर मिलेगा। ओम नमः सिद्धिभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, द्वादश वाणी माता की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की, आचार्य विद्यासागर मुनिराज की, चतुर्विध संघ की, कुछ समय पहले यहाँ से जब विहार करने की घड़ी, उस समय मन में यही आ रहा था कि अब पता नहीं कब आने मिलेगा यहाँ, क्योंकि पदयात्री हैं, गुरुजी का आदेश होता है कि यहाँ वहाँ, और मुनिश्री प्रशांत सागर जी जो हमारे अग्रज थे, उनने कितनी प्रयास किए तब जाके आशीर्वाद मिला था कि हाँ सम्मेश्वर की यात्रा कर लो। तो एक बार प्रयास से काम नहीं हुआ,
कई बार उनने कई साल लगाए तब उनको समेश्वर की यात्रा का, तो जाते समय यही लग रहा था कि अब हम लोगों को तो शायद ही है दूसरी बार आने मिलेगा, लेकिन पारस बाबा को हमारी भक्ति पसंद आ गई ऐसा लगा। फिर से उनने बुला लिया हमें, और इतनी शीघ्र इतनी जल्दी बुलाया इसकी अपेक्षा नहीं थी, और थोड़े समय के लिए नहीं, अधिक मास है इस बार। तो मन में यही था कि कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसको इस चतुर्मास का लाभ मिलता है। तो सौभाग्यशाली इस समेश्वर की तलहटी में रहने वाले सारे लोग हैं जो अपने आप को समेश्वर का वंशज कह लो या पड़ोसी मानते हैं, या एक घंटे में आप यहाँ आ जाते हैं चले जाते हैं, तो किसी को भी निराशा ना हो। आचार्य जी ने बहुत सोच समझ के ये स्थान दिया है। गया वालों ने निवेदन किया था, कोडरमा वाले लगे रहे, आचार्य जी ने कोडरमा का पूछा भी, और हजारीबाग वालों का तो उत्साह देखते ही आचार्य जी ने बोला कि, लेकिन लाभ सबको मिले ये सोच के आचार्य जी ने किसी को भी निराशा ना हो ऐसा स्थान दिया है जब सभी लोग आसानी से आ सकते हैं, सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि मुनिश्री के सानिध्य में हमें पढ़ने लिखने का अवसर मिलेगा। पहले भी महाराज जी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। पिछली बार भी बताया था कि 1992 में पहली बार महाराज जी से पढ़ना शुरू किया था जब हम 10th क्लास में थे उस समय, और उस समय से जो स्वाध्याय की लगन महाराज जी ने जगाई थी उसी का फल है कि हम आज उनके चरण सानिध्य में बैठ के फिर से स्वाध्याय के लिए प्रार्थना करते हैं उनसे। आगे और भी बातें करेंगे समय मिला तो। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बंधुओं, पूज्य श्री शीतल सागर जी महाराज ने अपनी अंतरंग की शीतल गहराइयों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, जिन्होंने अनेक वर्ष हो गए संयम की यात्रा में, उस संयम की यात्रा में जिन्होंने अपने आप को खरा उतारा है, निवेदन करता हूँ मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतुशासनं। वंदे विद्यासागरं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म के। जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के। जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय। अग्रज मुरिदास श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। अक्षय पुण्य का योग बना और शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेश शिखर जी में सन 2023 का बृहद वर्षा योग करने का
आशीर्वाद गुरुवर के द्वारा प्राप्त हुआ और मणिकांचन योग बना सो अग्रज श्रेष्ठ मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की छत्र छाया में रह कर के इस वर्ष साधना करने का सौभाग्य मिल रहा है। पिछले 4-5 महीनों से हमारे अग्रज मुनिराज जो प्रशांत सागर जी महाराज का अभाव जो हमें महसूस हो रहा था, आज वह अभाव हो गया, वह अभाव भी अभाव को प्राप्त हो गया और आज हमें बड़े महाराज हमें मिल गए, अति आनंद और प्रसन्नता का विषय है। और निश्चित ही इधर ग्रीष्म काल के प्रवास के दौरान गया में ही रुकना हुआ, सो इसके बाद कोडरमा तिलैया में भी रुकना हुआ और हजारीबाग में भी ग्रीष्म काल कुछ संपन्न हुआ। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से सभी लोगों ने यथाशक्ति धर्म लाभ लिया और हजारीबाग में आने के बाद तो क्या बतलाना आपको कि युवा और वृद्धों में सभी में ऐसा उत्साह का संचार हुआ कि उनकी भावना तो यही थी कि महाराज जी का चातुर्मास कहाँ हो भैया, हजारीबाग में चातुर्मास हो। सभी ने भागीरथ बहुत पुरुषार्थ किया, किंतु जैसी उनकी प्रबल भावना थी कि महाराज जी का चातुर्मास हमारे यहाँ हो, ऐसे हमारी भी प्रबल भावना थी कि हमारा भी चातुर्मास किसी सिद्ध भूमि में महाराज श्री के सानिध्य में। अब जिसका पुण्य उदय प्रबल था उसको लाभ मिला। फिर भी निश्चित ही है कि जब तीव्र पुण्य का योग होता है तो ऐसा सुसंयोग हमें मिलता है और इसके साथ पता नहीं गुरु जी के वर में कितना बड़ा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो कि उन्होंने हमें सम्मिलित शिखर जी में चातुर्मास का आशीर्वाद प्रदान किया। और यहाँ पर जब जो गुणायतन के ट्रस्टी गण थे सभी सुनते हैं आचार्य महाराज के पास गए थे, वो एक निवेदन लेकर के गए थे। क्या क्या निवेदन लेके गए थे कि आपके सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव गुणायतन का होना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने भी सोचा क्या, उनको सोचना भी नहीं पड़ता, सब उनको सहज उनके ज्ञान में झलकता है और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया बताते हैं। और कैसे दे दिया तो उन्होंने चाल देख ली थी। एक बार सुना था हमने कि एक नवयुवक जो है किसी ग्राम की ओर जा रहा था, अपरिचित ग्राम था, तो पता नहीं मैं उस गांव तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मन में एक विकल्प उसको चल रहा था। फिर भी अपनी यात्रा पर तो वो निकला हुआ था, तो वहीं पर चलते चलते उसने खेत में काम करने वाले किसान से पूछा, हे दादा क्या मैं अंधेरे होने के पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा? तो उस किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना काम करता रहा। पुनः दूसरी बार पूछा तो भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आखिर युवक हड़बड़ाया, लगता वो कुछ सुनाई नहीं देता उसको, और वो वहाँ से चल पड़ा। जैसी 20 कदम पर पहुँचा कि उस दादा ने रोक करके, हाँ युवक तुम अपने लक्ष्य पर अंधेरे होने के पहले पहुँच जाओगे। अब वो व्यक्ति का दिमाग कि यूँ मैं 3 बार 2 बार जब पहुँचा तब तो दादा ने कोई आवाज़ दी नहीं, और जब मैं इतनी दूर आ गया बाद में कह रहा है, आखिर बात क्या है? तो पुनः वो लौट करके उस किसान के पास पहुँचता, बोले दादा बात क्या है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बोले बात ऐसी है बेटा, पहले मैंने तेरी चाल नहीं देखी थी, अब मैंने तेरी चाल देख ली कि इस चाल से अगर तू चलेगा तो निश्चित अंधेरा होने के पहले मंजिल पर पहुँच जाएगा। अर्थात आचार्य जी ने गुणायतन के ट्रस्टियों की चाल देख ली और महाराज जी की तो पहले ही से देख ली कि महाराज के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है।
और उन्होंने कह दिया भैया लग जाओ अब तो आपका काम जल्दी ही जल्दी, सुना तो है फरवरी तक आशीर्वाद दिया है, हो सकता और उससे पहले ही आप लोगों की चाल देख करके कार्य शीघ्रता से करना ही है। निश्चित ही हमें वो इस प्रसंग ध्यान आता जब कुंडलपुर में सारा का सारा संघ पहुंच चुका था और ऐसा माहौल चल रहा था कि उस समय आशीर्वाद आजशी भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शासन प्रशासन की कुछ अपनी मजबूरियां थीं, लेकिन पंच कल्याणक महामहोत्सव कुंडलपुर में होना तो अनिवार्य था। और हम सब लोग सोच रहे थे, ट्रस्टी भी सोच रहे थे अब तो ये टल करके अप्रैल मई में जाएगा, किंतु एक दिन आजशी ने बुलाया और 12 तारीख को बुला करके आशीर्वाद दीदी के 16 से पंच कल्याणक करना है। इतना बड़ा महामहोत्सव कैसे संपन्न होगा, सारे के सारे लोग बिल्कुल एक प्रकार से अव्यवस्थित से हो गए, किंतु आचार्य ने आशीर्वाद दिया और 16 की जगह 18 20 से पंच कल्याणक प्रारंभ हुआ और सभी लोग पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि किस आनंद के साथ वो महामहोत्सव हुआ। गुणायतन में ही कुछ ऐसा ही चमत्कार होने वाला है और पता नहीं मन तो कहता कि हो सकता गुरु महाराज स्वयं भी यहाँ पर आकर के, लेकिन मात ताली बजाने से काम नहीं होगा, अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता उनको समय भी देना पड़ेगा। जैसा भी महाराज जी ने कहा ना, हमारा वर्षा योग तो हो रहा है किंतु जो कार्यकर्ता उनको भी वर्षा योग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और हमारा तो ये भाव है कि वास्तव में यहाँ तो यंत्र की शक्ति काम करेगी किंतु एक मंत्र की शक्ति भी हुआ करती है। इस गुणायतन से जुड़े हुए प्रत्येक एक एक श्रावक को आज से वो मंत्र आराधना शुरू करनी होगी कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता कर रहे हैं वो स्वस्थ रहें और खूब तीव्र गति से अपने कार्य को करते रहें, उनकी कोई विघ्न बाधा ना आए, खूब आनंद से कार्य शीघ्रता से होती रहें। हम तो महाराज जी से यही निवेदन करते हैं, ऐसा कोई एक मंत्र आप सारे श्रावकों को बता दें कि वो श्रावक उस मंत्र की आराधना से यहाँ जो यंत्र काम कर रहे हैं वो अपने आप में सुचारू रूप से करते हुए और जो गुरु जी का आशीर्वाद है शीघ्रता से खूब आनंद के साथ यह कार्य संपन्न होगा।